Hello everyone, welcome to our channel Kids Flicks. Today we learn the chapter 7 of Earth Natural Friend for class 2. The chapter's name is Our School. Aaj hum Earth Natural Friend book ka chapter 7 sikhenge aur chapter ka naam hai Our School. Let's start. A school is a place where people learn things. Ek school वो जगह होती है जहाँ लोग अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं. देयर आर स्कूल्स फॉर बॉयज़ एंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स. यहाँ पर कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर केवल बॉयज़ पढ़ते हैं और कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर केवल गर्ल्स पढ़ती हैं. देन देयर आर स्कूल्स इन विच बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर. अब कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठा पढ़ते हैं. प्ले स्कूल्स आर फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन. प्ले स्कूल वो स्कूल होते हैं जहाँ पर बहुत ही छोटे बच्चे पढ़ते हैं. प्राइमरी स्कूल्स आर फॉर चिल्ड्रन अप टू क्लास 5th. प्राइमरी स्कूल क्लास 5th तक के बच्चों के लिए होते हैं. सेकेंडरी स्कूल्स हैव स्टूडेंट्स अप टू क्लास 10th और सेकेंडरी स्कूल में क्लास 10th तक के बच्चे पढ़ते हैं. स्कूल्स अप टू क्लास 12th आर कॉल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल. और जिस स्कूल में 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं उन्हें सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं. पीपल इन द स्कूल. अब बहुत सारे लोग जो हैं उस स्कूल में वर्क करते हैं. मैनी पीपल वर्क इन द स्कूल. बहुत सारे लोग स्कूल में वर्क करते हैं. द टीचर्स टीच अस इन द स्कूल. हमारी टीचर्स हमें स्कूल में पढ़ाती हैं. द प्रिंसिपल लुक्स आफ्टर द स्कूल. और हमारी प्रिंसिपल स्कूल की देखभाल करती है. द लाइब्रेरियन लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी. और लाइब्रेरियन क्या करती है, हमारी लाइब्रेरी की देखभाल करती है. द स्वीपर्स कीप द स्कूल क्लीन. और जो स्वीपर होते हैं वो हमारे स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं. द स्टूडेंट शुड ट्राई टू हेल्प देम. और बच्चों को भी उनकी हेल्प करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए. दे शुड नॉट थ्रो पेपर एंड अदर गार्बेज इन द कॉरिडोर्स और ग्राउंड्स. बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, पेपर और जो और कूड़ा करकट होता है वो कॉरिडोर्स और ग्राउंड में नहीं फेंकना चाहिए. द गेट कीपर स्टैंड्स एट द गेट. जो गेट कीपर होता है वो गेट पर खड़ा होता है. ही डज नॉट लेट एवरीबॉडी एंटर द स्कूल. और वह सबको स्कूल के अंदर नहीं आने देता है. द गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स. और जो गार्डनर होता है यानी कि माली, वो पौधों की देखभाल करता है. एक्टिविटीज़ इन आर स्कूल. अब हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. द टीचर्स टीच अस इन द क्लासरूम. हमारी टीचर जो है वो हमें क्लासरूम में पढ़ाती हैं. आफ्टर टीचिंग आवर्स वी प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स. और जब टीचिंग आवर फिनिश हो जाते हैं तो हम कुछ गेम्स और कुछ स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं. We play with bat and ball. हम क्या खेलते हैं, बैट एंड बॉल के साथ खेलते हैं. Besides, we prepare for some special occasion. और हम कुछ special occasion के लिए भी कुछ कार्य तैयार करते हैं. Sports day. और हमारे स्कूल का सबसे important day होता है sports day. Our PT teacher organize the sports day. हमारी PT teacher जो है वो sports day organize करती है. Children take part in different types of races. और sports day वाले दिन बहुत सारे बच्चे जो है वो अलग अलग races में भाग लेते हैं. 50 meter race, 100 meter race, guava race and spoon in the mouth race. और ये race कौन कौन सी होती है, 50 meter race होती है, 100 meter race होती है, कुछ guava race होती हैं और कुछ जो race होती हैं उसमें spoon को मुँह में रख कर भागना होता है. म्यूजिकल चेयर्स इज़ अ ग्रेट फन. और म्यूजिकल चेयर भी जो है वो एक गेम है जिसमें हम बहुत मज़ा लेते हैं. वंस अ ईयर द स्कूल हैज़ अ फेट. और एक साल में एक बार जो है हमारे स्कूल में फेट भी होती है. स्टॉल्स ऑफ फूड एंड गेम्स आर पुट अप. और इस फेट में क्या होता है, फूड की स्टॉल्स लगती हैं और बहुत सारे गेम्स की भी स्टॉल्स होती हैं. There are many slides too. और बहुत सारे slides वहाँ पर होती हैं. Annual day, we have cultural programs on the annual day. Annual day हर school में मनाया जाता है और
आपके स्कूल में भी मनाया जाता होगा। इस दिन हम जो है वो बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स प्रेजेंट करते हैं। वी सिंग, डांस एंड टेक पार्ट इन शॉर्ट प्लेस। और हम इस दिन गाना, डांस और बहुत सारे शॉर्ट प्लेस यानी नाटकों में भाग लेते हैं। आर पेरेंट्स आल्सो कम टू सी आर एक्ट्स ऑन द स्टेज। और हमारे पेरेंट्स जो है वो भी हमारे एक्ट देखने के लिए आते हैं। प्राइजेज आर गिवन टू चिल्ड्रन। और बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं। वी आल्सो सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, टीचर्स डे एंड चिल्ड्रंस डे। और हम बहुत सारे और भी जो है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, टीचर्स डे एंड चिल्ड्रन डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल।